नवजात बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कई बार क्रूर नियति इन बच्चों को लावारिस और अनाथ बना देती है। कभी-कभी तो मजबूरीवश माएं अपने बच्चे को छोड़कर दोबारा पलटकर भी उनकी तरफ देख तक नहीं पाती। बच्चों के साथ ऐसा सलूक ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पालोना पिछले 7 सालों से जागरूकता अभियान चला रही है। इसकी संस्थापक मोनिका गुंजन अपने सहयोगियों के साथ लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। पालोना के ऐसे ही सक्रिय सदस्यों को राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और पद्मश्री बलबीर दत्त ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया और इस मुहिम को चलाने को लेकर सभी का हौसला बढ़ाया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने के साथ और है उस पर अपना राय देते रहते हैं और सहयोग संस्थाओं के साथ खड़े रहे हैं। पालोना एक तरफ से कहा जाए तो अभियान, और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारा जो भी कार्यक्रम हो आप उसी तौर पर एक अभियान चलाने की जरूरत है। जैसे कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं हर एक कार्य क्षेत्र में, इसलिए यहाँ भी अभियान चलाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ ये समस्या जुड़ी हुई है जो फीमेल चाइल्ड है, बहुत से ये जो परित्याग कर दिया जाता है उसमें फीमेल चाइल्ड कुछ ज़्यादा ही बताया जाता है, और ये मानसिकता भी दूर करनी होगी। अब ऐसा ऐसा दूर हो रही है। देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगी कि हम सिर्फ बेटी की बात क्यों कर रहे हैं। अगर हम झारखंड में बैठे हैं तो हमें बेटा और बेटी दोनों की बात करनी होगी। अगर हम सिर्फ बेटी को आज बचाएंगे तो बेटों को कौन बचाएगा? आंकड़ा क्या है, फीमेल का ज्यादा है? अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो दोनों का लगभग बराबर है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों का। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है मैम? अगर पहले तो फीमेल का बहुत सारे कारण है, जैसे एक ये तो है ही कि गर्ल चाइल्ड का एक इशू हो सकता है कुछ जगहों पर। इसके अलावा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है वो एक रीजन हो सकता है। उनके बीच में अगर कोई मान लीजिए कि वो अलग हो गए हैं, डिवोर्सी हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। नहीं, विधानसभा नहीं, मैं राज्यसभा में उठा सकता हूँ, और उसके लिए जो मुझे इनपुट ये सुझाव देंगे कि इस तरह के कानून का प्रस्ताव करना चाहिए, तो प्रति जो अबैंडन चाइल्ड हैं उनकी सुरक्षा और उनको सुरक्षा में ले जाने वाले के की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए। तौर पर